Hello everyone, welcome back to my channel Brain Boosting Activities. I hope you all are doing good. In today's video, I am going to share mental maths worksheets. All these worksheets are suitable for the children of the age group 4 to 7 years. Okay, आप ये UKG के बच्चे भी कर सकते हैं, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड के बच्चों को आप प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट्स दे सकते हैं. प्लेस वैल्यू, तो आपने बच्चे को प्लेस वैल्यू एक्सप्लेन कर दी है, सिखा दी है. टेंस एंड वंस, आप ये मेरे मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाकर आप मेरा ये वीडियो टेंस एंड वंस का देख सकते हैं. तो वहां पर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि बच्चों को टेंस एंड वंस प्लेस वैल्यू कैसे सिखाएं. These numbers show that the digit 2 has a value of 20. यहाँ पर कुछ numbers दिए हैं, उन number में हमें find करना है जिसमें number 2 की value 20 हो. Okay? तो यहाँ पर मैंने कुछ numbers दिए हैं, उन number में हम find करेंगे, search करेंगे कि जो हमें 2 number दिया है, इसकी value कहाँ पर 20 हो रही है. तो वंस एंड टेंस, ओके, वंस एंड टेंस, टेंस 2 × 10 20. यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है, वंस. ओके, यहाँ पर 2 की वैल्यू है वंस, तो 2 ये भी वंस. तो आंसर हमारे हुआ 25 and 28. यहाँ पर 2 नंबर की वैल्यू कितनी है, 20. नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस नंबर शो दैट द डिजिट 5 हैज अ वैल्यू ऑफ 5. यहाँ पर नंबर 5, कहाँ पर नंबर वैल्यू 5 की 5 मिल रही है. दैट मीन्स 5 होने का मतलब है कि 5 की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, वंस पर. क्योंकि अगर 5 टेंस पर होगा तो वैल्यू हमें मिलेगी 50, वो हमें चाहिए नहीं है. हमें वैल्यू चाहिए 5, तो 5 की वैल्यू, 5 की जो पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए, वंस पर. लाइक 45, 75 एंड 25. यहाँ पर 50 हुई क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 5 की पोजीशन है वो टेंस पर है, तो 5 की वैल्यू है यहाँ पर 50. सेम यहाँ पर 5 की पोजीशन जो है, 5 की कहाँ पर प्लेस है, टेंस, टेंस पर. तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी हुई, 50. बट 45 में टेंस एंड वंस, तो यहाँ पर जो 5 है वो कहाँ पर है, वंस पर. वंस में वैल्यू कितनी हुई 5 की, 5. नेक्स्ट, मोर देन एंड लेस देन. इसमें मैंने मैचिंग दी है. इसको आप अपने बच्चे की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 डिजिट यूज़ कर सकते हैं. मैंने 65 किया है, आप यहाँ पर 178 भी यूज़ कर सकते हैं, 165 भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो देख लीजिएगा कि आपके बच्चे के लिए, अगर आपको ये थोड़ी इजी वर्कशीट पड़ती है तो आप उसके थोड़ा और डिफ़िकल्ट बना दीजिए, 3 or 4 डिजिट यूज़ कर लीजिए. और अगर आपको और इजी करनी है तो आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको ईजी बनाने के लिए इसमें सिंगल डिजिट यूज़ कर सकते हैं. 1 more than 65, 66. 1 more than 46, 47. 1 less than 80, 79. 1 less than 37, 36. 1 more than 75. Okay. Next worksheet है number comparing. आपने बच्चों को numbers सिखा दिए हैं, उन्हें ग्रेटर स्मॉलर नंबर पता है, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स देने हैं आपको. सेम उस नंबर्स में बच्चे को फाइंड करना है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. यहाँ पर भी सेम है के लिए आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्कशीट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको 3 डिजिट दे सकते हैं, 4 डिजिट दे सकते हैं. लाइक 146, 453, 225, 1010. लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 3 डिजिट यूज़ करें तो कैसे करेंगे. ओके,
इसमें आप फाइंड करने के लिए दे सकते हैं. यू कैन ईजली कस्टमाइज दीज वर्कशीट्स अकॉर्डिंग टू योर किड्स चाइल्ड एज और इंटरेस्ट. ओके, लुक एट दीज थ्री नंबर्स. इन नंबर्स में उसे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है लाइक 68 एंड स्मॉलेस्ट. ओके, सेम लुक एट दीज थ्री नंबर. यहाँ पर भी कुछ नंबर्स दिए हैं, इसमें भी उसे फाइंड करना है. फर्स्ट डिजिट को देखकर वो ये डिसाइड करेगा कि ये नंबर ग्रेटेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है. ओके, तो आप नंबर कंपेयरिंग की ये वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें बच्चा फाइंड करेगा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट डिजिट पर. फर्स्ट डिजिट ये डिसाइड कर देती है कि नंबर ग्रेटेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है. ओके, जो मैंने ये थ्री डिजिट दिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. नेक्स्ट वर्कशीट में कुछ शेप्स दिए हैं, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं. उनका हाफ लेफ्ट साइड में है एंड हाफ राइट साइड में है. तो हमें यहाँ पर मैच करना है और कंप्लीट शेप बनाना है. तो मैं आपको उसके बाद वो कौन सा शेप बनेगा, सर्किल. सर्किल में हमें उसकी साइड लिखना है और वर्टिस लिखना है. ओके, तो वी डिस्क्राइब शेप्स बाय देयर साइड एंड वर्टिस. ओके, एंड साइड, साइड क्या होता है, द आउटसाइड एज ऑफ द शेप साइड. एंड वेयर द साइड्स मीट द कॉर्नर्स वर्टाइस. ओके, जैसे जब सर्किल फॉर्म हुआ तो इसमें ना ही कोई साइड है ना ही कोई लाइन है कि वो एक दूसरे को कहाँ पर ज्वाइन कर रही हो लाइक दिस. तो यहाँ पर साइड भी ज़ीरो एंड वर्टिस भी ज़ीरो. हेक्सागन, अब ट्रायंगल है जैसे आपको, तो ट्रायंगल की साइड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, आपने जैसे ट्रायंगल फॉर्म किया तो यहाँ पर इसकी जो साइड हुई 1 2 3. ओके, आउटसाइड एज ऑफ द शेप साइड 3 साइड. ओके, एंड कॉर्नर लाइक जहाँ पर साइड एक दूसरे से मिल रही हैं वो कॉर्नर. 1 2 3 वर्टिस 3. ये वर्कशीट तैयार कर सकते हैं, इससे बच्चे को और अच्छे से क्लियर होगा शेप्स के बारे में. तो वो शेप्स को यहाँ पर मैच करेंगे एंड मैच करने के साथ आप उन्हें एक्सप्लेन कर दें कि साइड और वर्टिस क्या होता है और हर एक शेप की कितनी साइड होती हैं कितनी वर्टिस होती हैं. इन माय लास्ट एक्टिविटी वर्कशीट, हाउ मैनी डेज आर इन द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ टाइम. जनवरी में कितने डेज होते हैं लाइक, तो आप एक कैलेंडर लेके बैठिएगा एक्सप्लेन कर सकें कि जनवरी आया तो जनवरी या फरवरी में डेज वो देखे कितने डेज हैं. वहाँ पर मेंशन किया होगा कि 31 डेज जनवरी में एंड 28 डेज इन फरवरी, 7 डेज मार्च एंड अप्रैल, मार्च में 31 एंड अप्रैल में 30th, तो 61 डेज. ईयर में 365 डेज. फोर वीक्स में, वन वीक में 7 डेज हैं, तो 4 वीक्स में 28 डेज. लीप ईयर क्या होता है, आप लीप ईयर उन्हें एक्सप्लेन करें कि फरवरी में 28 डेज हैं से 29 डेज हो गए, तो लीप ईयर, तो लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होगा. नॉर्मली 365 डेज पर लीप ईयर में 366 डेज. जून फोर्टनाइट 14 डेज. ओके, अब राइट डाउन द न्यू डेट आफ्टर वन वीक हैज़ पास्ड लाइक 24th जनवरी. तो बच्चा काउंट करेगा, वन वीक में 7 डेज होते हैं, दैट मीन्स आफ्टर 7 डेज
कौन सी डेट आएगी? 31 जनवरी। ओके, 5th जून, 12th जून, 2nd जून, 3rd फरवरी में दो कंडीशन आएंगी, एक तो पहले लीप ईयर, ओके, एंड जब लीप ईयर नहीं है तब, तो लीप ईयर है अगर, तो 23rd फरवरी को हम लीप ईयर में, अगर लीप ईयर नहीं है तो 1st मार्च। यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।